राजनीति से जुड़ी हर खबर चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। राजस्थान में नई सरकार आते ही बुजुर्ग पेंशनधारियों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार बदलते ही अब बुजुर्ग पेंशनधारियों के लिए सरकारी सिस्टम बदलने वाला है। बुजुर्ग पेंशनधारियों को खुद के जन्म के प्रमाण के लिए इमित्र जाकर बायोमेट्रिक सिस्टम से नहीं गुजरना पड़ेगा, बल्कि अब बुजुर्ग सेल्फ अटेस्टेड के जरिए ही अपनी जीवित होने का प्रमाण दे सकते हैं, ताकि उनके खाते में हर महीने समय से पेंशन आ सके। फिलहाल बुजुर्गों को 500 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाती है, लेकिन अब सरकार इसी महीने से 750 रुपए प्रति माह पेंशन देने जा रही है। यानी नई सरकार के आते ही अब बुजुर्गों को डबल फायदा होने वाला है। एक तो उनकी पेंशन बढ़ेगी और दूसरा उनकी दौड़ धूप कम हो जाएगी। राजस्थान में करीब 50 लाख बुजुर्गों को सरकार पेंशन देती है। लाखों बुजुर्गों को हर साल अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र देना होता है। ई मित्र पर जाकर बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए उन्हें अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र देना होता है। लेकिन अब सरकार बदलते ही राजस्थान में पेंशनधारियों के लिए पूरा सिस्टम बदल रहा है। आने वाले वक्त में जल्द ही ये सिस्टम पूरे राजस्थान में लागू होगा। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।